तो भाई देख लो, ये है फर्स्ट लुक OnePlus Nord 3 के इंडियन वेरिएंट का, जो कि एक्सक्लूसिव आपको सबसे पहले देखने को मिल रहा है। और गाइस, इस वीडियो के अंदर आपको OnePlus Nord 3 के इंडियन वेरिएंट के स्पेसिफिकेशंस, प्राइसिंग देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि अभी तक आपको जितनी भी डिटेल्स मिल रही थी इस फोन से रिगार्डिंग वो चाइनीज वेरियंट की थी। तो सब कुछ जानते हैं, उसके लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। एंड रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अप्रिसिएट कर सकते हो ऐसी वीडियोज के लिए। गाइस, वीडियो को स्टार्ट करके सबसे पहले इस फोन के बिल्ट लुक और डिजाइन की बात करें तो भाई फ्लैट साइड्स देखने को मिल जाएंगे, ग्लास की बिल्ड देखने को मिल जाएगी, प्लास्टिक की ही फ्रेम मिलेगी, बट इस तरीके का ये फोन दिखने वाला है। जहां पर कुल दो कलर ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक ग्रे मैट फिनिश के साथ देखने को मिलेगा, तो एक ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ ग्रीन कलर ऑप्शन के साथ देखने को मिलेगा। बाकी अगर बात करें फ्रंट साइड को लेकर तो देख लो, कुछ इस तरीके का फ्रंट रहने वाला है, जहां पर सेंटर में पंचोल कटआउट होगा, फ्लैट स्क्रीन होने वाली है। और भाई यहां पर जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो भी तगड़ी देखने को मिल रही है, जहां पर नीचे साइड जो चिन है वो थोड़ा सा देखने को मिलता है, बाकी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो कमाल की लगती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो बड़ी साइज स्क्रीन देखने को मिलेगी, 6.74 इंच की, 1.5 की रिजोल्यूशन देखने को मिलेगा, यानी फुल एचडी और 2K के बीच का ये रिजोल्यूशन होता है। ओलेड पैनल, 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिलेगा, 1400 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाएगी, तो तगड़ी ब्राइटनेस और अच्छे कलर्स आपको शो होने वाले, अलर्ट स्लाइडर भी देखने को मिल जाएगा। हाँ, हेडफोन जैक नहीं मिलेगा, बट साथ में ड्यूअल स्पीकर के साथ में साउंड भी लाउड देखने को मिल जाएगी। बात करें फोन के परफॉर्मेंस को लेकर तो इस फोन में मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 वाला चिपसेट देखने को मिलेगा, जिसके साथ में आपको DDR5 रैम UFS 3.1 स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाएगी। और ये जो चिपसेट है ना, वो स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1, जो कि आपको बहुत सारे फोन्स के अंदर देखने को मिल रहा है, मिलने वाला है ना, उससे स्लाइटली थोड़ा सा पीछे हो जाता है, बट देख सकते हो कि बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, 19-20 का फर्क मिलेगा। और डे टू डे टास्क में आपको ये मक्खन जैसा फोन चल जाने वाला है, गेमिंग भी आप करोगे, आराम से कर पाओगे। साथ में गाइस, यहां पर आपको 8GB रैम और 16GB तक का रैम ऑप्शन देखने को मिलने वाला है, जिसके साथ में 128GB और 256GB का स्टोरेज ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे फोन में ओवरऑल परफॉर्मेंस को लेकर तो तगड़ा रहने वाला है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करें तो ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आएगा, जो कि बेस्ट होगा ऑक्सीजन OS 13.1 पर। और भाई एक्सपीरियंस आपका ऑक्सीजन OS 13.1 के साथ में अच्छा रहने वाला है, यहां पर आपको एड्स नहीं मिलेंगे फालतू के, हाँ एक दो ब्लॉटवेयर ऐप देखने को जरूर मिल जाएंगे। बाकी अगर बात करें तो यहां पर आपको 3 साल का ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट देखने को मिल जाएगा, और 4 ईयर यानी 4 साल तक आपको सिक्योरिटी अपडेट्स भी देखने को मिल जाएंगे। बात करें कैमरास को लेकर तो इस फोन के बैक में ट्रिपल कैमरा की हाउसिंग होगी, प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का होगा, सोनी IMX890 वाला सेंसर देखने को मिलेगा। अब देखो, ये जो सेंसर है ना वो बहुत ही तगड़ा है, और इस प्राइस के ऊपर अगर इमेज ऑप्टिमाइजेशन पोस्ट प्रोसेसिंग अच्छी कर दी तो नंबर 1 कैमरा फोन भी आप कह सकते हो। साथ में OIS भी मिलेगा, तो स्टेबल वीडियोस भी रिकॉर्ड कर पाओगे, बैक से 4K 30fps तक की वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। लेकिन बैक में बाकी जो दो लेंसेज है फालतू है, 8 का अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 का मैक्रो, इन्हें थोड़ा सा अच्छा आप कर सकते थे। बात करें बैटरी और चार्जिंग को लेकर तो इस फोन में 5000 यानी 5000 एमएच की बैटरी देखने को मिलने वाली है, और 80W के चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। बॉक्स के अंदर एटलीस्ट चार्जर तो OnePlus वाले दे रहे हैं, काफी अच्छी चीज है। इसके अलावा NFC, Wi-Fi 6 और ब्लूटूथ 5.3 देखने को मिल जाएगा। तो ये कंप्लीट चीजें OnePlus Nord 3 के साथ में आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलेगी। लॉन्च की बात करें तो भाई अभी तक ऑफिशियल Nord 3 के लॉन्च का डेट कंफर्म नहीं हुआ है, बट अकॉर्डिंग टू लीक्स और जितने अभी तक पोस्टर्स सामने आए हैं उससे ये कंफर्म हो रहा है कि 5th July को ये इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगा। हालांकि जैसे ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा। और इस फोन की जो प्राइसिंग होने वाली है ना वो 8128 अपने बेस वेरिएंट के साथ में 35000 के नीचे होगी। आप कह सकते हो कि 30000 के करीब, 32000 के करीब इसके बेस वेरिएंट की प्राइस हो सकती है। बाकी प्राइस को लेकर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करके जरूर बता देना, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो ऐसे एक्सक्लूसिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जी जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए।